Assalamu alaikum dosto, this is Shahzad Ahmed, welcome at Park Spoken English Channel. दोस्तों मेरी हर बार ये कोशिश होती है कि मैं आपके लिए एक नई और बहुत ही दिलचस्प एक्टिविटी लेकर आऊं कि जिसकी मदद से आप अपने मजमून को बहुत ही दिलचस्प अंदाज से पढ़ा सकें। दोस्तों देखते हैं कि हम इस एक्टिविटी को कैसे खेल सकते हैं। इस एक्टिविटी के लिए आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, नंबर एक मैचस्टिक्स और नंबर दो अदद आइसक्रीम स्टिक्स। तो इस गेम को खेलने से पहले आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को दो ग्रुप्स में तकसीम कर दीजिए। एक ग्रुप को ग्रुप ए का नाम दे दें और दूसरे ग्रुप को ग्रुप बी का नाम दे दें। अब तमाम मैचस्टिक्स को एक या दो कतारों में इस तरह से तरतीब में रखें कि उनके हेड्स ऊपर की जानिब हों और टेल्स नीचे की जानिब हों। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन तमाम मैचस्टिक्स के हेड्स ऊपर की जानिब हैं और उनकी टेल्स नीचे की जानिब हैं। अब दोनों ग्रुप्स में से एक एक पार्टिसिपेंट को बारी बारी बुलाइए और दो आइसक्रीम स्टिक्स उन्हें दे दीजिए। जैसा कि देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास भी दो आइसक्रीम स्टिक्स मौजूद हैं। अब आप पार्टिसिपेंट से कहेंगे कि वो इन तमाम मैचस्टिक्स को इस तरह से मूव करेंगे कि उनके हेड्स नीचे चले जाएं और टेल्स ऊपर की तरफ आ जाएं। अब पार्टिसिपेंट का ये टारगेट होगा कि उसने ये तमाम मैचस्टिक्स को मूव करना है और इनके तमाम मैचस्टिक्स के हेड्स नीचे की जानिब होंगे। जैसे ही पार्टिसिपेंट मैचस्टिक्स मूव करना शुरू करे, आप स्टॉपवॉच पे टाइम बी स्टार्ट कर दें और ये देखें कि इस पार्टिसिपेंट को तमाम स्टिक्स मूव करने में कितना ज़्यादा देर लगती है। एक ग्रुप में से एक पार्टिसिपेंट ये एक्टिविटी परफॉर्म कर ले तो आप दूसरे ग्रुप में से एक पार्टिसिपेंट को बुलाएं और उससे यही एक्टिविटी इसी तरह से परफॉर्म करवाएं और उसका टाइम भी नोट करें। इसी तरह जो पार्टिसिपेंट सारी मैचस्टिक्स कम वक्त में मूव करेगा वो पार्टिसिपेंट विनर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 22 मैचस्टिक्स रखी हैं और जो पार्टिसिपेंट इन तमाम मैचस्टिक्स को शॉर्टेस्ट टाइम में मूव करेगा वो पार्टिसिपेंट विनर होगा। दोस्तों ये गेम अगर आप अपने मजमून के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो आप पार्टिसिपेंट से कहेंगे कि वो हर बार मैचस्टिक मूव करने से पहले एक फिक्रा बोलेगा या वो एक मखसूस टर्म बोलेगा जो उस मजमून से होगी या उस सबक से होगी, उस लेसन से होगी जो आपने पढ़ाया होगा। यानी कि जब भी वो एक मैचस्टिक मूव करेगा तो वो सबसे पहले एक फिक्रा बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसको परफॉर्म करता हूँ, ही इज लिसनिंग म्यूजिक, नाउ आई विल मूव दिस स्टिक like that. My friends are making calls, so this is like that. And my friends are planning to go to Lahore, so I'm moving this stick. My friends are talking to me, they are waiting for bus, why you are not listening me. So this is how you're going to make sentences and at the same time they're going to move the matchsticks. तो सर इस एक्टिविटी के लिए हम टाइम के लिए स्ट्रेटजी डिफरेंट यूज़ करते हैं क्योंकि आपके पास 40 मिनट्स का टाइम होता है। तो आपने हर बच्चे को एक एक मिनट का टाइम देना है या 30 सेकंड्स का टाइम दें, जितना भी आप टाइम दे सकें आप बच्चों को टाइम दें। इसी तरह अगर आप बच्चों को एक मिनट का टाइम देते हैं और एक बच्चा एक मिनट में 10 स्टिक्स मूव करवाता है तो इट मीन्स कि उस बच्चे ने 10 टर्म्स बताई हैं या 10 सेंटेंसेस बोले होंगे। इसी तरह से आप दूसरे ग्रुप में से एक बच्चे को बुलाएंगे और वो भी इसी एक्टिविटी को इसी तरह से परफॉर्म करेगा। आप उसको एक मिनट का टाइम देंगे और ये देखेंगे कि दोनों ग्रुप्स में जो बच्चे आए हैं उन दोनों ने एक मिनट में कितने ज़्यादा फिक्रे बनाए हैं। जो बच्चा ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएगा वो विनर होगा।